वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे पोषण के बारे में स्वास्थ्य के बारे में क्योंकि मौका है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का और जो हमारा विभाग है गृह विज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का वो इस पूरे सप्ताह को बहुत ही ज़्यादा उत्साह और पूरे अपने ध्यान से मनाना चाहता है हम चाहते हैं कि हमारा जो भी इसके बारे में ज्ञान है या जो भी जानकारियाँ हैं वो हम आप तक शेयर करें तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पोषण के पांच सूत्रों की पांच सूत्रों से मतलब है कि कौन सी पांच बेसिक चीजें बना दी गई हैं जो एक टारगेट सेट किया गया है कि किस तरीके से हम वो एक टारगेट जो है अपना अचीव करें जिससे कि पोषण अच्छा हो एक अच्छा भविष्य हो हेल्दी बच्चे हों माताएं स्वस्थ हों तो ओवरऑल पोषण और, और ओवरऑल हेल्थ इस पे फोकस हमारा ये पांच सूत्र जो है हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये पांच सूत्र क्या-क्या हैं बात कर लेते हैं सबसे पहले है शिशु के पहले 1000 दिन ठीक है अर्थात शिशु जब माता की कोख में होता है अर्थात ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका पूरा टाइम उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी दो साल ये कुल मिलाकर 1000 दिन होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और भविष्य तय करते हैं बच्चे का पोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका अगर इस समय पोषण अच्छा है इस समय उसकी देखरेख अच्छी है तो उसका आगे आने वाला जो उसका समय होगा या ही पूरी जिंदगी जो होगी उसकी वो किस तरीके से रहेगी या पोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी रहेगी नेक्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत एनीमिया जैसे कि आप जानते हैं ब्लड में आयरन की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी इज एनीमिया अलग अलग तरीके से इसको समझाया जाता है अगला है डायरिया का निवारण डायरिया आप जानते हैं कुछ भी इन्फेक्टेड भोजन इन्फेक्टेड पानी से आ, कुछ इन्फेक्शन पेट में हो जाता है जिससे क्या हो जाता है बच्चों में खासकर डायरिया हो जाता है लूज मोशंस जिसको कहते हैं इससे कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है डिहाइड्रेशन के अपने नुकसान हैं इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी से एज इट इज निकल जाते हैं जो कि एब्जॉर्ब होने चाहिए बॉडी में जो कि हमारे आ, शरीर को प्रॉपर uh, ताकत दें और जो उनका फंक्शन है वो हमारी बॉडी में वो अदा करें इसके बाद स्वच्छता एवं सफाई जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि स्वच्छता एवं साफ सफाई बहुत आवश्यक है एक हेल्दी लाइफ के लिए तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और अंतिम है पौष्टिक आहार जो कि हमारा जो गृह विज्ञान विभाग है आधार है इसका पौष्टिक आहार पौष्टिक भोजन पौष्टिक थाली हम ये बार बार बात करते हैं तो हम इसके बारे में भी आज बात करेंगे तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शिशु के पहले एक हजार दिन पे तो पहले छोटी सी बात करते हैं कि ये क्या है पोषण सूत्र क्या है क्यों इनको इतना इम्पोर्टेंस दी गई क्यों क्यों जरूरत हुई गवर्नमेंट को ये एक टारगेट सेट करने की तो जैसा कि हम जानते हैं एक स्वस्थ समाज जो होता है वो एक स्वस्थ भविष्य की ओर किसी देश के स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाता है तो अगर हमारा समाज ही बीमार होगा वो ही अस्वस्थ होगा तो हम एक आ, प्रोग्रेसिव कर, आ, समाज की एक प्रोग्रेसिव आ, आ, मतलब कंट्री की आप अगर देश की उसमें बात करते हैं तो हम ऐसी उम्मीद नहीं कर पाते हैं अच्छा आ, ये ऐसा नहीं है कि लोग करना नहीं चाहते आ, खाना नहीं चाहते या उसके अकॉर्डिंग चलना नहीं चाहते कई बार क्या होता है कि पता ही नहीं होता है जागरूकता की कमी होती है इसकी वजह से हम खा रहे होते हैं बट वो नहीं खा रहे होते जो हमें खाना चाहिए हम बस बस पेट भर रहे होते हैं तो हमारा ये कहना है कि आप भोजन कर रहे हैं तो आप ऐसा भोजन करिए जो आपको ताकत दे आप वो भोजन करिए जो आपके शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करे तो हमारा ये मानना है इसके अलावा अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा कुपोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे बहुत ज्यादा पता ही नहीं है कि शरीर में किस चीज की कमी है हाइट कम बढ़ रही है अः बच्चा खा रहा है बट मोटा नहीं हो रहा है वेट गेन नहीं कर रहा है जो उसकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि कुपोषण के अंतर्गत आती हैं और क्यों होती है पर्याप्त और सही प्रकार से भोजन ना लेने की वजह से अः जैसे कि हम बार बार बात करते हैं बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं अगर बच्चे ही स्वस्थ नहीं होंगे तो एक स्वस्थ समाज नहीं होगा एक स्वस्थ समुदाय नहीं होगा एक स्वस्थ देश नहीं होगा तो ये जो एक स्वस्थ जीवन की एक कल्पना है इसकी तैयारी गर्भावस्था अर्थात ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उस समय से ही शुरू हो जानी चाहिए अर्थात माता को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए जो बच्चे को चाहिए क्योंकि क्या होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जो माँ खाती है वो बच्चे को मिलता है इसके लिए आवश्यक क्या है कि माँ भरपूर पोषक तत्वों से भरपूर भोजन ले उसको सारे पोषक तत्व तो इनफैक्ट एक्स्ट्रा लेने होते हैं जो हमारी आरडीए टेबल है उसमें एक अलग से होता है कि प्रेगनेंट लेडी को क्या क्या कितने मंथ्स में किस पोषक तत्व की आवश्यकता बढ़ती है जैसे इस समय आपने अक्सर देखा होगा कि कैल्शियम और आयरन आपको सप्लीमेंट में दिए जाते हैं अर्थात जो आप भोजन से ले रहे हैं वो तो अलग है उसके अलावा आपको सप्लीमेंट्स मीन टैबलेट्स के रूप में सिरप्स के रूप में दिए जाते हैं तो ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आप जो मदर है उसकी बॉडी से बच्चे को भी जा रहा होता है ब्लड वहीं से सर्कुलेट होता है और प्लस कैल्शियम क्योंकि बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा कि जो जो बोन्स हैं उसका कैल्शियम डिजोल्व होने लगता है इससे क्या हो सकता है आपकी हड्डियाँ कमजोर हो सकती हैं ठीक है ऑस्टियोपोरोसिस ठीक है इस टाइप की कई टाइप की बीमारियाँ आपको हो सकती है तो इन सब से बचने के लिए आपको कैल्शियम की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी होती है तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सुनहरे एक हजार दिन के लिए अब इन्हें सुनहरे दिन क्यों कहा जाता है सुनहरे दिन अर्थात ये वही दिन है जिनसे कि बच्चे का फ्यूचर तय होगा बच्चे का भविष्य तय होगा बच्चा भविष्य में किस किस तरीके की ग्रोथ करेगा कैसा उसका पूरा मतलब डील डॉल होगा कैसी उसकी हाइट होगी वेट होगा हेल्दी होगा नहीं होगा ये सब इन एक हजार दिनों से डिसाइड होता है नॉट एग्जैक्टली exactly कि पूरा डिसाइड होता है बट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो इन एक हजार दिनों को हमने ऐसे बांटा हुआ है कि आपके टू सेवेंटी डेज प्रेगनेंसी के अर्थात गर्भावस्था के दो सौ सत्तर दिन और उसके बाद के दो साल जन्म के बाद के दो साल जो कि होते हैं सात सौ तीस दिन तो इस प्रकार से पूरे एक हजार दिन होते हैं अब इनको क्यों इम्पोर्टेंट कहा गया है अब इम्पोर्टेंट इसलिए कहा गया है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो सारा पोषण कहाँ से लेता है बच्चे माँ की माँ की डाइट से मतलब जो माँ खाएगी वो बच्चे को जाएगा इस दौरान माँ की डाइट का बहुत ध्यान रखना है माँ ने वो सब खाना है जिसकी बच्चे को जरूरत है और प्लस उसके शरीर में भी जिन चीज़ों की कमी हो सकती है और वो कमी क्यों हो सकती है क्योंकि वो जो खा रही है उसका कुछ पोर्शन बच्चे को भी जाएगा तो इस तरीके से उसे बच्चे के लिए भी खाना है और अपनी बॉडी के लिए भी खाना है जो चीज़ें उसकी जो न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में कम हो सकते हैं उनको भी उसने खाना है अब एक तो ये हो गई भोजन पोषक तत्वों की बात हो गई अब इसके अलावा जो आपकी गर्भावस्था के दौरान पूरे नाइन मंथ्स में जो आपके जाँचें होती हैं वो भी प्रॉपर होनी चाहिए और वो जाँचें इसलिए भी होनी चाहिए एक तो बच्चे की ग्रोथ पता चलती है दूसरा बच्चे में अगर कोई इशू है तो उसे टाइमली क्योर किया जा सके उसे टाइमली सही किया जा सके इसके लिए भी उसके जो आप कहते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह वो कम से कम चार बार उसकी जाँचें होनी बहुत ज़रूरी हैं ब्लड टेस्ट होने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर कोई जो माता है जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें कोई अगर दिक्कत है ऐसी जो कि बच्चे में जा सकती है आ, मतलब क्योंकि बच्चा जो है वो माँ से जुड़ा हुआ है तो अगर माँ की बॉडी में कोई इश्यू है तो हो सकता है वो आगे को प्रोजैनी में भी जाए तो इसको क्योर करना बहुत जरूरी है तो इसके लिए क्या जरूरी है कि टेस्ट कराए जाए और पता लगाया जाए कि एवरीथिंग इज नॉर्मल सब कुछ सही है सारे ब्लड टेस्ट सही हैं इसके लिए आपको जो जांचें हैं वो टाइम टू टाइम जरूर करानी चाहिए इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं जो प्रेगनेंसी में आपका आयरन जो होता है बॉडी में मीन्स हीमोग्लोबिन या ब्लड कह लीजिए वो बहुत कम हो जाता है तो इसके लिए आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं अब अगर ये नहीं दिए जाएँ एक तो बहुत आप जानते हैं बॉडी में अगर आयरन की कमी जाएगी तो बहुत लेथार्जिनेस होगी क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचती है थकान होगी कोई काम करने का मन नहीं करेगा सर दर्द होगा तो और भी बहुत सारी चीज़ें इससे एसोसिएटेड हैं और कमज़ोर हो जाएंगे है ना और भूख नहीं लगना ये सारे लक्षण हैं आयरन की कमी के तो आयरन और कैल्शियम दोनों सप्लीमेंट में लेना बहुत जरूरी है अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो कमर दर्द हाथ पैरों में दर्द रहेगा क्योंकि तो क्या होगा कि जो बोन्स में कैल्शियम है वो ब्लड में ऑब्जॉर्व होना शुरू हो जाएगा अगर हम डाइट में कैल्शियम नहीं लेंगे प्रॉपर मात्रा में तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है जन्म के बाद का आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चा होता है तो जो डॉक्टर है वो कहती है जो आपकी मदर होती है उससे कहती है कि आप अपना दूध जरूर पिलाइए बच्चे को इनफैक्ट पहला दूध जो होता है गाढ़ा पीला दूध कोलम कहते हैं उसे वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि बच्चे को शुरुआती समय में एक अच्छा इम्यून देते हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं उसके तो अगर किसी बच्चे ने ये पहला जो पीला गाढ़ा दूध है अर्थात कोलस्ट्रम ढंग से उसने पिया है तो आप देखिएगा उन बच्चों में एक विजिबल डिफरेंस होता है वो बच्चे उस बच्चे के कंपैरेटिवली ज्यादा मजबूत होते हैं ज्यादा बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं जिस बच्चे ने ना पिया हो तो तो अवश्य मिले अब जब बच्चा छ महीने तक तो बच्चा माँ के दूध पर डिपेंडेंट होता है उसे ऊपर से कुछ नहीं खिलाया जाता क्योंकि उसका सिस्टम बहुत नाजुक होता है तो उसे केवल माँ के दूध पर रखा जाता है उसके बाद जैसे ही बच्चा छह महीने कंप्लीट करता है तो उसके बाद उसको हल्का कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिया जाता है अब कॉम्प्लीमेंट्री फूड क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड दैट कि जो आपका माता का दूध है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है क्या कॉम्प्लीमेंट करते हैं देखिए बात करते हैं जैसे दलिया बहुत ज्यादा इजी टू डाइजेस्ट है बच्चे का जो नाजुक सा पूरा सिस्टम है उसके लिए बिल्कुल सही है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बच्चे को इसके अलावा मसले हुए फल दे सकते हैं आप जैसे मैश्ड बनाना दे सकते हैं दूध के साथ इनफेक्ट एप्पल दे सकते हैं पपाया दे सकते हैं जूस दे सकते हैं थोड़ा दो दो चम्मच तीन तीन चम्मच लेकिन बच्चे को ज़्यादा नहीं देना है आपने हल्की मात्रा में क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं उसके भोजन की तो हल्का हल्का खाना देना है इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीकाकरण वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका वैक्सीनेशन जो आपको पूरा चार्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग सारी वैक्सीन लगनी चाहिए बच्चे को क्योंकि अगर एक भी वैक्सीन छूटेगी तो उसका खामियाजा बच्चे को आगे जाके जरूर भुगतना पड़ेगा तो ये आपका फर्ज है कि जो आपको टीकाकरण की लिस्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग सारे टीके समय अनुसार जरूर लगाएं इसके अलावा जैसे ही बच्चा नौ महीने का हो जाता है उसे विटामिन ए की खुराक भी जरूर दी जानी चाहिए वो भी उसमें मैंशनड होता है ये एक चित्र के माध्यम से यही बातें जो मैंने बताई एक चित्र के माध्यम से इसमें दिखाया गया है कि कैसे महिला अपने बच्चे को देख रही है उसमें क्या क्या वो जो फर्स्ट वन है, एक हजार है, उसमें क्या क्या आप जो मैंने बताया वो पूरा पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सूत्र की ओर तो वह है पौष्टिक आहार देखिये पौष्टिक आहार तो सबको लेना है माँ को बच्चे को इनफैक्ट सभी लोगों को लेना है लेकिन बच्चा जो कि आपका भविष्य है उसका भविष्य पूरा इसी खाने पे इसी में देखरेख पे निर्भर है इसलिए हम बच्चे के पोषक तत्वों और बच्चे के पौष्टिक आहार पे बहुत जोर देते हैं अब जैसे ही आपने उसका कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट किया तो अब आप जैसे आपने दलिया से मैस्ड फ्रूट्स फलों से आपने उसकी शुरुआत करी है उसके बाद धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं अनाज उमायेंगे हल्का अनाज दालें जो हल्की होती है जैसे मूंग की दाल मलका की दाल मैस्ड पानी 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 से शुरू करिए दालें बनाइए उसको छान के पानी पिलाइए क्योंकि बच्चे का सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होता है तो अगर आप शुरू में ही उसे हार्ड टू डाइजेस्ट चीजें बहुत ज्यादा दाल बहुत दानेदार और राजमा चने देंगे तो वो बच्चा नहीं बचा पाएगा तो आपको करना क्या है दालों का पानी से शुरुआत करनी है हरी पत्तेदार सब्जियां देनी है बहुत सारे वाइटाम्स और मिनरल्स होते हैं इनमें मौस मौसमी फल दीजिए चाहे जो मौसमी फल है उपयुक्त तो मात्रा में दीजिए एक्सेस में नहीं देना है सही मात्रा में देना है लेकिन खिलाना है आपको उसको थोड़ा थोड़ा ताकि बच्चे में एक तो वो सब चीजें खाने की आदत आए दूसरा उसका बॉडी बिल्डअप हो क्योंकि अब जिस उम्र में बच्चा होता है उसका माता का दूध जो है पर्याप्त नहीं है उसकी ग्रोथ के लिए अब हरी सब्जियां आपने दी जैसे मौसमी सब्जियां जिससे में होती है जाड़ों के में पालक मेथी चौलाई सरसों इतनी सारी आपकी हरी सब्जियां आप वो खिलाइए पीले फल देने हैं जैसे आम है पका पपीता है क्यों देने हैं पीले फल क्योंकि विटामिन ए होता है इनमें बहुत ज्यादा और बच्चे को इस उम्र में विटामिन ए की बहुत जरूरत होती है जो मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया कि नाइन मंथ कंप्लीट होते ही उसे कॉम्प्लीमेंट्रीट विटामिन ए की जो है डोज दी जाती है इस समय एज फिक्स है इसीलिए जो वैक्सीन है उनकी भी एज फिक्स है कि इस एज में ये वैक्सीन लगनी है किसी भी उम्र में कोई वैक्सीन नहीं लगाई जाती है अगर आपकी छूट गई तो आप है तो आपने अच्छा ये अभी नहीं लगी अभी दो साल बाद लगा लेंगे ऐसा नहीं होता है जिस वैक्सीन के लिए जो एज फिक्स है वो उसी समय लगाई जाएगी इसके अलावा दूध से बने पदार्थ खिला सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको दलिया है हल्की खीर है सूजी का हलवा है मेवे हैं हल्के हल्के ड्राई रोस्ट करके वो खिलाए जा सकते हैं तो इस तरीके से बच्चे को आहार जो है आपको पूर्ण आहार पौष्टिक आहार देना है इसके अलावा अगर आप नॉन वेज है नॉन वेजिटेरियन है नॉनवेज खाते हैं तो अंडा मांस मछली आप खिला सकते हैं लेकिन आपको बहुत नहीं खिलाना है आपको उसकी क्या करनी है प्योरी बनानी है उसको एक से दो चम्मच एक टाइम पे खिलाना है बस ये नहीं कि आपने एक अंडा बनाया पूरा खिला दिया इतना नहीं खिलाना है बहुत थोड़ी सी मात्रा आप देखिए बच्चे का शरीर है प्लस वो अभी फीड कर रहा है तो इसलिए उसको केवल आपको कॉम्प्लीमेंट्री देना है पूरा पेट भर आपको वो नहीं खिलाना है माँ का दूध तो वो ले ही रहा है इसके अलावा क्योंकि इन चीजों से माँ के दूध से भी वो प्रोटीन ले रहा है और ये भी सब प्रोटीन रिच फूड्स हैं तो ज्यादा आपको ये सब नहीं देना है क्योंकि इससे प्रोटीन की मात्रा बढ़ भी सकती है जो कि हानिकारक होती है अति तो किसी भी चीज की खराब है लेकिन बच्चे के केस में हमें थोड़ा इसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है यही आपको पिक्चर के माध्यम से देखिए इसमें समझाया हुआ है कि क्या क्या आपको पौष्टिक आहार दिखाए हैं बच्चे को क्या क्या दिया जाना है दूध के साथ फ्रूट्स हैं हैं वेजिटेबल्स है, पूरी इसकी एक थाली दिखाई गई है नॉन वेजिटेरियन है तो एग फिश वगैरह ये सब आपको लिमिटेड मात्रा में जो उनके लिए निर्धारित की गई है उतनी ही मात्रा में देना है नेक्स्ट आता है अनिमिया की रोकथाम जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है हमारे लिए एनीमिया इतनी ज़्यादा जागरूकता फैलाने के बाद भी आज भी कई महिलाएं एनिमिक हैं और उन्हें पता भी नहीं कि वो एनीमिक हैं क्योंकि इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है धीरे धीरे बॉडी वीक होती है धीरे धीरे आपको लेथारजिनस होगी आपका काम करने का मन नहीं करेगा नींद आएगी भूख नहीं लगेगी और कई बार हम ये चीज़ें इग्नोर भी कर देते हैं कि ऐसे ही हो रहा होगा हो सकता है मौसमी चेंज है या कुछ ऐसा है बट ऐसा नहीं है आपको प्रॉपर अपनी जो आपकी डाइट है उसका ध्यान रखना है क्योंकि ड्यूरिंग द डिलीवरी बहुत सारा ब्लड लॉस होता है इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो उसकी कमी हो सकती है आयरन की हीमोग्लोबिन कम हो सकता है माँ ही नहीं बच्चे के शरीर में भी कम हो सकता है अब बच्चे के शरीर में कैसे कम हो जाता है आपने देखा होगा कई बच्चे जब पैदा होते हैं तो एनेमिक होते हैं अब वो क्यों होते हैं ये थोड़ी सी एक लापरवाही हो जाती है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ की नाल से माँ से जो है एक नाल के थ्रू जुड़ा रहता है ठीक है तो ज़रूरी यह है कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो तुरंत उस गर्भ नाल को ना काटा जाए जो गर्भ नाल होता है जिससे कि बच्चा माँ के वोम से जुड़ा होता है तो उसको कम से कम दो से तीन मिनट बच्चे को उसे जुड़ा रहने दें क्योंकि उसी के थ्रू अब बच्चा बाहर आ गया है तो अब उसे अपना सेल्फ अपना पूरा सिस्टम डेवलप करना है लेकिन उसको कुछ समय के लिए अभी भी माँ के सपोर्ट की ज़रूरत रहती है तो इस समय अगर हम उसे तुरंत काट देंगे तो उसकी बॉडी में अचानक ही खून का जो वो था वो बंद हो जाएगा क्योंकि मदर की बॉडी से उसको ब्लड मिल रहा था तो ऐसे में ये ध्यान रखने की बात है कि आपको तुरंत नहीं काटना है ये थोड़ा सा ध्यान जैसे दिया जाता है लेकिन फिर भी आपको इस मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी कि आप दो तीन मिनट रुके उसके बाद ही वो बच्चे को आ, माता से अलग करें इसके अलावा जब बड़े आ, अगर जैसे माता है उसके शरीर में कोई कमी है तो सिट्रस फ्रूट्स लीजिए नींबू आंवला अमरूद टाइप के कोई भी फल लीजिए अगर आप मांसाहारी तो अंडा मांस मछली लीजिए सब में आपका आयरन होता है इसके अलावा आयरन अगर इससे पूरा नहीं हो रहा है तो सप्लीमेंट्स लीजिए बहुत सारी टैबलेट्स हैं बहुत सारे सिरप्स हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में आप उनको लीजिए क्योंकि आयरन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए क्योंकि यही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी करता है तो अगर आप आयरन की कमी होगी तो आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी इससे क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे सारी बॉडी ऑर्गन्स को रेगुलेट करती है आगे बढ़ते हैं यही पिक्चर के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है ये बीच में सप्लीमेंट्स भी हैं कौन कौन से सप्लीमेंट ये सब आप अगर किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे तो ये डॉक्टर आपको सारे सप्लीमेंट्स देते हैं बाकी जो घर पर आप कर सकते हैं आप हरी सब्जियाँ हरी पत्तेदार सब्जियाँ बहुत खाइए और सिट्रस फ्रूट्स खाइए आंवले में बहुत Uh, uh, होता है uh, क्या कहते हैं आंवला बहुत रिच होता है विटामिन सी का और विटामिन सी जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है तो इनडायरेक्टली ये बहुत हेल्पफुल है आपकी बॉडी में uh, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए फोर्थ वन इज डायरिया डायरिया क्या होता है डायरिया आपका संक्रमण संक्रमित आ, वो है संक्रमण से होने वाली बीमारी है इनफैक्ट ये बीमारी भी नहीं है अगर कोई बच्चा किसी संक्रमित पानी को पी लेता है या संक्रमित भोजन को खा लेता है तो वो डायरिया का शिकार हो जाता है ये कोई बीमारी नहीं है बट क्या होता है कि बच्चे ने खाया और उसको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो गए वॉमिटिंग हो गई और वो सब आपका जो एब्जॉर्व होना चाहिए बॉडी में जो न्यू जो आपके पोषक तत्व हैं वो बॉडी में एब्जॉर्व नहीं हो पाते हैं और एज इट इज़ बॉडी से निकल जाते हैं ऐसी स्थिति में एक तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है बहुत चांस है क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है इसके अलावा आप में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है क्योंकि बॉडी को उतना टाइम नहीं मिलता है कि वो न्यू जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करें तो डायरिया बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है अच्छा अगर बच्चे को डायरिया हो जाए तो क्या करें डायरिया अगर हो भी जाए तो अगर बच्चा फीड करने वाला है तो माँ जो है वो उसको फीड कराना बंद ना करें उसे बार बार फीड कराए उससे कोई नुकसान नहीं होता है एक मित्र है कि दूध नहीं पिलाना है बिल्कुल नहीं बिल्कुल प्रॉपर पिलाना है जितना दिया जाता है उतना प्रॉपर मात्रा में देना है इनफैक्ट पानी नहीं देना है और बाहर का खाना नहीं देना है वो रोक देना लेकिन माँ का दूध बंद नहीं करना है इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है ओ देना है घर पे भी आप ओ बना सकते हैं नमक चीनी का घोल जो कहते हैं उसको बना सकते हैं ओ मार्केट में उपलब्ध हैं सारे मेडिकल स्टोर पे वो आप लेंगे इसके अलावा अगर बच्चा अब ओवरकम uh, कर गया है डायरिया उसका सही हो गया है लेकिन उसको आप फोर्टीन डेज तक जिंक देंगे क्योंकि बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है जिस समय बच्चे को डायरिया होता है तो इस बात का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है ये देखिए इस पिक्चर के माध्यम से बताया गया है माँ देखिए बच्चे को दूध पिला रही है इसके बाद सप्लीमेंट दिखाए हैं ओ आर एस दिखाए हैं जिंक की टैबलेट्स ये मेन चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ओ आर एस देना है जिंक की टैबलेट देनी है फोर्टीन डेज तक और माँ को बच्चे को फीड जरूर कराना है अब चलते हैं अंतिम जो सूत्र है हमारा उसकी ओर वह है स्वच्छता और साफ़ सफ़ाई देखिए स्वच्छता और साफ़ सफाई कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जाए क्योंकि हम सब जानते हैं साफ़ सफ़ाई करनी चाहिए साफ रहना चाहिए साफ खाना चाहिए साफ पीना चाहिए लेकिन कई बार हम कई चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हो सकता है बच्चे जो हैं वो कैजुअली हाथ धोते हैं साफ अच्छे से हाथ ना धोएं उनके क्या होता है बच्चा बहुत जगह खेलता है उसके हाथों में मिट्टी गंदगी लगी होती है वही हाथ मुंह में डालता है ये स्पेशली छोटे बच्चों पे ज़्यादा लागू होता है क्योंकि छोटा बच्चा जब क्रॉल कर रहा होता है हाथों और घुटने से चल रहा होता है तो उसके हाथ कई जगह लगते हैं वही हाथ मुँह में डालता है उन्हीं हाथ से उठा के कुछ खा लेता है तो इससे इन्फेक्शन होने का बहुत डर रहता है जो कहाँ से एसोसिएट है डायरिया से डायरिया हो सकता है इससे क्योंकि इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वाटर इज द मेन कॉज ऑफ़ डायरिया तो आपको बहुत ध्यान रखना है बहुत सारी साफ़ सफाई रखनी है इनफैक्ट माता को बहुत अपना ध्यान रखना है और जब भी आप बच्चे को फीड करा रहे हैं अच्छे से आप अपने को साफ़ करिए बच्चे के हाथ धोइए बच्चे का फेस बार बार साफ़ करिए इसके अलावा जो पीने का पानी है वो ढक के रखिए खाने का सामान ढक के रखिए जितनी बार आप कोई बाहर काम कर रही हैं बाहर किसी सामान को छू रही है उतनी बार अपने हैंड वॉश करने की आदत डालिए तो ये थे हमारे पांच सूत्र जिन पे हमारा पोषक जो ये पोषण सप्ताह जो है हमने इस समय इसको एक टारगेट बनाया हुआ है कि ये सब चीज़ें अचीव हो गई तो समझिए हमने एक अच्छा स्वास्थ्य अचीव कर लिया तो इस लेक्चर में बस इतना ही धन्यवाद